हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन में डिफरेंस बताने वाला हूं। और अगर आप डिप्लोमा करने जाएंगे मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल, तो उसमें भी ये टॉपिक है। या फिर आप बी या एमई करने जा रहे हैं या बीटेक करने जा रहे हैं और उसमें भी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों, जो कूलिंग का जो सिस्टम होता है वो मेनली दो तरह का होता है। या तो वो एयर कूल्ड सिस्टम होगा, जैसे कि आपको मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल में आपको देखने को मिलता है, और या तो फिर वाटर कूल्ड सिस्टम होगा जो कि आपको कार में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि कूलिंग सिस्टम का ज़रूरत क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो आईसी इंजन होता है, इसका जो इफिशियंसी होता है, थर्मल इफिशियंसी, वो सिर्फ 35% होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल परचेज कर रहे हैं, तो सिर्फ उसमें 35 रुपीज़ आपके काम में आ रहा है, बाकी जो 65% है वो आपका वेस्ट जा रहा है इन्वायरमेंट में। लेकिन उस वेस्ट एनर्जी, जो 65% का जो हीट एनर्जी बना, उस एनर्जी को भी बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा इंजन से, तो आपका जो इंजन है वो हीट करके सीज कर जाएगा, इंजन डैमेज हो जाएगा। तो वही 65 रुपीज़ के लिए ये सब आपका बना हुआ रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, ये एक कार का इंजन है और वाटर कूल्ड इंजन है। तो यहाँ पर आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, यहीं पर आपका अंदर में पिस्टन रहता है और हीट जनरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हीट जनरेट हुआ, तो जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ सो हुआ, बाकी जो यूजलेस एनर्जी है वो यहाँ पे बाहर में, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्लॉट कंप्लीट, इसमें वाटर का सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपका वाटर पंप लगा रहता है, ये देखिए, ये आपका वाटर पंप लगा रहता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर, तो ये वाटर पंप क्या करता है, पूरे ये जैकेट में इस तरह से वाटर का सर्कुलेशन करता है और हेड में भी जाता है वाटर, और ये इसको कूल करता है। जो यूजलेस एनर्जी है, जो आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, जो 65% जो एनर्जी है, उसको ये बाहर निकालता है, और बाहर निकालता है रेडिएटर के थ्रू आपका, वहाँ पे जा कर के वही जो कूलेंट है, वही जो वाटर है, एक्चुअली वाटर और कूलेंट सेम होता है, बट वाटर में कुछ कूलेंट मिलाया जाता है ताकि कोई भी क्रोजन नहीं हो। अगर आप कूलेंट नहीं मिलाएंगे तो ये सब जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये क्रोजन स्टार्ट हो जाता है और हेड जो गैस्केट होता है वो भी डैमेज हो जाता है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इस तरह से आपका ये वाटर कूल्ड इंजन काम करता है। तो ये तो आपका जो जैकेट देख रहे हैं यहाँ पर, तो कूलेंट और वाटर मूव करता है, बट यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से आपका जो इंजन ऑयल है वो सर्कुलेट करता है। तो ये जो आपका वाटर है वो इंजन को तो कूल करता ही है, साथ साथ जो आपका इंजन ऑयल है उसे भी वो कूल करता है, तभी आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बना रहता है, नहीं तो वो एक्सेसिव हीट करेगा और आपके इंजन में प्रॉपर लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह से काम करता है आपका वाटर कूल्ड इंजन। अब यहाँ पे देखिए, ये है एयर कूल्ड इंजन, यहाँ पे कोई भी आपका वाटर जैकेट आपको नहीं दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पे कंबसन होता है, जो एक्सेस हीट है वो आपका प्रोड्यूस होता है, और बाहर में फिन्स, ये जो फिन्स देख रहे हैं, फिन्स एक्चुअली अगर आप थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो एक मेथड होता है एरिया को बढ़ाने का। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे फिन्स बनाया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो हीट है वो ईज़िली बाहर इन्वायरमेंट में जा सकता है, तो ये जल्दी से जल्दी कूल होगा यहाँ पे, तो इसलिए फिन्स दिया रहता है। तो इसमें कोई वाटर का मेथड नहीं है, सिंपली फिन्स है, यहाँ पे हीट जनरेट होगा और बाहर ये निकल जाएगा, एक्सेस जो टेम्परेचर है, और आपका इंजन ठंडा रहेगा। तो इस तरह से फिन्स बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक छोटा मोटा इंजन बनाना है तो इस तरह का फिन्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 97 cm³ मतलब सीसी का इंजन है, अराउंड 100 cc आप बोल सकते हैं, तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो वाटर कूल्ड इंजन होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, और थोड़ा सा आगे आप देखेंगे यहाँ पे वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, और यहाँ पे दोनों को सेपरेट करने के लिए
हेड गैस्केट रहता है। अब होता क्या है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, बहुत लोग कूलेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पानी ही डायरेक्ट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हेड गैस्केट होता है उसका कोरोजन होने लगता है, और वो कोरोजन होता है तो यहाँ पे वाटर और इंजन ऑयल आपका मिक्स करने लगता होगा। आप सुने होंगे कि इंजन ऑयल में से कूलेंट निकल रहा है, इंजन ऑयल मतलब वाइट हो गया, तो वो इस प्रॉब्लम से होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा भी आपका हेड गैस्केट में डैमेज होगा तो डायरेक्ट इसमें आने लगेगा, तो वो प्रॉब्लम होता है। प्लस यहाँ पे भी अगर देखेंगे, यहाँ पे आपका वाटर है और यहाँ पे कंबसन चैम्बर, अगर यहाँ भी फट गया, क्रोजन होने लगा, तो ये जो वाटर है आपका इसमें आने लगेगा, तो आपका वो भी प्रॉब्लम होता है। इंजन का आपका फिर आइडलिंग अनइवन हो जाएगा, बहुत ही अजीब आपका इंजन बिहेव करने लगेगा, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। इफिशेंट तो ये वाला होता है, बट इसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आता है। और यहाँ पे अगर एयर कूल्ड की बात करें तो इसमें ये सब कोई टेंशन नहीं होता है, इसीलिए चीप एंड बेस्ट आपके मोटरसाइकिल में यही दिया रहता है। बट हाँ, हाई एंड अगर मोटरसाइकिल है, ज़्यादा सीसी का है, तो उसमें इससे काम नहीं चलता है, और उसको बेटर बनाने के लिए वाइल्ड कूल्ड या वाटर कूल्ड आपका दिया जाता है। और वाइल्ड कूल्ड क्या होता है दोस्तों, वाइल्ड कूल में क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं रहता है, सिंपली जो ऑयल है आपका उसी को कूल किया जाता है एक छोटा सा ऑयल कूलर के हेल्प से, तो वो एक दूसरा मेथड हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को मिला होगा, और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा, और आप कभी भूलेंगे नहीं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे कूलिंग होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी फिंस देखने को नहीं मिलेगा बाहर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी कूल हो रहा है वाटर के थ्रू। बट यहाँ पे देखिए आपको फिंस ही फिंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया, और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।